अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी समायरा मोहसिन। गर्ल्स का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो वीडियो है वो खास तौर पे गर्ल्स और लेडीज़ के लिए, ख़वातीनों हज़रात के लिए होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफ़ायर पे जो है ना 50% ऑफ फ्लैट पे सेल लगी है, तो इसी के लिए आज हम आए हैं सेंटोरस मॉल में। और यहाँ पे हम आउटलेट जो सफ़ायर की है ना वो कवर कर रहे हैं। और ये देखिए इनके बहुत ही प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत से आर्टिकल्स लगे हुए हैं और इनकी प्राइजेस जो है ना वो बहुत ही कम है। और इतना रश था और वीडियो बनाने में भी बहुत सख्ती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से ये जो वीडियो है ना बनाई है क्योंकि मैं गई स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए थी। और ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत जो इनके आर्टिकल्स वो लगे हैं, जो स्टिच जो है ना इनकी कैटेगरी उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफ जो उसी पे है, 50% आपको उस पर ऑफ मिल रहा है। ये देखें, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये 3000-4000 कुछ इस रेंज में है और इनको आफ्टर डिस्काउंट का जो आपको मिल रहे हैं 2000-2500 में आपको स्टिच ड्रेस जो है ना वो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको सिली हुई कमीज, शलवार, दुपट्टे हर चीज़ मिल जाएगी जहाँ से बहुत इजीली। लेकिन ये है कि आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है सेल की वजह से, क्योंकि कल इसका लास्ट डे है। और ये देखें, ये जितने भी आर्टिकल है 3000-4000 की जो रेंज है, काफ़ी कुछ जो है ना मतलब ड्रेसेज हैं उनके आर्टिकल्स की मैंने प्राइजेस साथ साथ लिख के मैंशन कर दिए ताकि वीडियो में आसानी हो। ये देखें इतना रश था, यहाँ पे ये जो कपड़े थे ना नीचे गिरे पड़े हुए थे। तो ये जो रेट है ना ये फुल उनकी प्राइस है, आफ्टर डिस्काउंट आपने खुद ही लगाना है। ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं उन पर 50% ऑफ था, बहुत ही कम ऐसे आर्टिकल थे जहाँ पे 40% ऑफ था, लेकिन कुछ थे जिन पे 40% भी ऑफ था। तो आपने 40 या 50% ऑफ खुद ही करना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी इसलिए मैं उसको ज़्यादा एडिट नहीं कर पाई क्योंकि अभी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है और लेंथ ही काफ़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि काफ़ी बढ़िया आउटलेट थी उनकी और उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगा। ये 9000 का है और आपको आफ्टर डिस्काउंट आलमोस्ट 4500 रुपीज़ में मिल जाएगा। बहुत ही कलर का लाइट जो खूबसूरत सा ये पीच कलर है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये देखें, ये जो है ना वो ये श्रग स्टाइल में बना हुआ, मेरे नाम जेन से जो था ना वो उतर गया था तो मुझे याद नहीं आ रहा था। ये मस्टर्ड कलर का है, पिंक कलर का, ये सारे श्रग स्टाइल है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और खाली ये सिंपल शर्ट नहीं है, इनके ऊपर कढ़ाई हुई है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, ये सिले हुए नफीस तरीके से। आपको पता है ब्रांड है तो वो अपनी किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता, तो उस लिहाज से आप बेफिक्र हो जाएं। और एंड पे भी इसको चुनटे डली हुई है, मतलब एक फ्रॉक की भी लुक आपको दे रहे हैं। ये ब्लू वन भी जो है ना ये 4000 की रेंज में था, तो ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 2000 में मिल जाएगा। इनमें कुछ जो थी वो सिंगल शर्ट थी, कुछ टू पीस थे और कुछ थ्री पीस भी थे, ज़्यादातर जो थे ना वो टू पीस थे, खास तौर पे उनके साथ दुपट्टा वगैरह ऐड था। ये मुझे ट्राउज़र मिल गया क्योंकि लोगों ने कुछ कपड़े यहाँ फेंके होते, कुछ वहाँ पे, कोई चीज़ उस तरह से डिस्प्ले नहीं हुई। इतना अखीर का रश था ना कि आपकी सोच है, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनी है। आपको वीडियो की क्वालिटी से भी लग रहा हो, कभी यहाँ से धक्के लग रहे हैं, कभी वहाँ से धक्के लग रहे हैं। तो ये जो ट्राउज़र था ना ये 1200 का था, तो ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट जो था ना मुझे 600 समथिंग का पड़ा था, तो मैंने ये रख लिया। ये भी आप देख लें, ये 32 के रेंज में है, 33 की रेंज में है, तो आफ्टर डिस्काउंट आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ये ब्लैक वाला जो है ना ये टू पीस है और ये ऊपर से इसकी हाफ स्लीव्स हैं और ये इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत प्यारा और कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया। जो हाफ स्लीव पहन सकते हैं वो पहन लें, तो बाकी जो नहीं पहन सकते तो वो इसको अवॉइड करें। तो ये देखिए, ये भी इसकी भी प्राइजेज मैंने कोशिश किया सबके साथ साथ मेंशन करती हूँ। ये तकरीबन इनकी रेंज वही है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना शर्ट स्टाइल में बटन वगैरह इन पर काफ़ी अच्छे तरीके से लगे हैं। 14 अगस्त के हवाले से भी काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ब्रांड ने अपने सारे कपड़े निकालने के लिए ना फेंक दिए और ऐसी ज़बरदस्त सेल लगाई हुई थी कि आपकी सोच है। और ये देखिए, ये पैरट कलर का जो ड्रेस है ये भी बहुत प्यारा है, जैकार्ड में ये कुर्ता सिला हुआ है, फुल फ्रॉक टाइप ये कुर्ता है 14 अगस्त के हवाले से, और ये 4000 में मिल रहा है और ये जैकार्ड में। और ये देखिए इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी बनी हुई है, मोती वगैरह ऊपर बड़े फिनिशिंग के साथ लगे हो, तो ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 2000 में मिल जाएगा। इसी तरह ये आप देखें, ये 6490 का है और ये भी आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है, तो आपको ये अधिक कीमत में पड़ेगा, ये आप खुद देख लें। अच्छा, कुछ लेडीज़ वहाँ पे गई थी, इन्होंने ना आफ्टर डिस्काउंट कीमत नहीं ना लगाई हुई थी, जस्ट ऑफ लग के लगाया हुआ, तो कुछ लेडीज़ बेचारी को नहीं समझ आती ना, वो यही कह रही थी हाँ इतना महंगा, वो बेचारी छोड़ के जा रही थी। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं यार ये इस पर ऑफ है, तो आप उसको ये जो इनकी है ना थ्री पीस अनस्टिच की जो आ गई है, तो ये बाज़ और नाव की जो पिक्चर है ना ज़्यादातर की जो है ना वो प्राइसेस आपके साथ मेंशन है। तकरीबन ये
12,000-14,000 के ये ड्रेसेस थे, और ये आफ्टर डिस्काउंट जो आपको मिल रहे हैं 5,000-7,000 की रेंज में थे। बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन फुल वर्क के साथ थे और अनस्टिच थे। अनस्टिच पे ना थोड़ी आपको पता है डिस्काउंट उन्होंने कम दिया था, जो ज़रा डिस्काउंट था ना वो स्टिच पे था। स्टिच वालों को फ़ायदा ये होता है ना कि उनकी बहुत सारी जो सिलाई है ना वो बच जाती है। अब ये देखिए इतना खूबसूरत आर्टिकल है, ये 9,800 रुपीज़ में है, और काफ़ी कुछ है जो डिस्काउंट के बाद भी आपको और भी कम हो जाता है। ये देखिए इनके साथ साथ लिखा भी हुआ है ये कितने में है, वो आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगाएं। और ये इतना इन्होंने ना ऑफ़ किया हुआ है, 40% 30% ना इस पर ऑफ़ किया हुआ है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे कि इनको ना जो अनस्टिच है ना उस पर ज़्यादा ऑफ़ करना था, लेकिन ये देखे ना ये ड्रेसेस भी तो इनकी क्वालिटी भी तो फिर कुछ और है ना। लेकिन ये देखे ना असल फ़ायदा तो जो है ना वो जो स्टिच पहनते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हुआ है, अनस्टिच वालों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है आजकल सिलाई 1200-1000 रुपये तो कम से कम है ना, 1200-1500 यहाँ तक आपको सिलाई नॉर्मली मिल रही है। तो जब आपको सिली सिलाई चीज़ इतनी अच्छी रेट में मिल जाए, उसके ऊपर इतनी अच्छी कढ़ाई और नफासत हो, तो फिर आपको और क्या चाहिए। तो उस लिहाज से ना उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सेल में भी काफ़ी लोग भी यही कह रहे थे कि जो स्टिच पहनने वाले हैं ना उनको ज़्यादा हुआ है, जो अनस्टिच वाले थे ना तो उनको वो फ़ायदा नहीं हुआ। अनस्टिच वाले कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, वो कहते हैं जो हमने खुद अपने हाथ से सिला हमने वही पहनना है, तो वो लोग भी ऐसे होते हैं बेचारे, तो उनको साइज़ का भी इशू होता है, तो उस लिहाज से ना वो थोड़ा कह रहे थे। तो ये देखिए इनकी कितनी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये तकरीबन 2303 का है, ठीक है, और काफ़ी कम प्राइजेज में आपको ये ड्रेसेस अवेलेबल हैं। और ये इसके ऊपर काम देखिए कितना अच्छा, और ये है भी 3 पीस, मज़े की बात। और नहीं तो आपको पता है 3 पीस पे इतना काम कहीं पे भी मिलता है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा रश था, इतना रश था कि जो उन बेचारों की एक वर्कर थी जो सेल कर रही थी ड्रेसेस, वो बेहोश हो गई थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और वो खड़े हो के आपको पता है काम करते हैं, सिटिंग एरिया नहीं होता, और जब इतने लोग हो इतनी गर्मी हो जाए, बेशक सेंटर स्माल ही क्यों ना हो, तो एसी काम करने भी छोड़ देते हैं। रश बहुत ज़्यादा था, एसी उनका चल रहा था, लेकिन फिर भी रश इंतहा का था। अब ये देखिए वाज़ और जो अभी नाव की जो है ना तकरीबन प्राइजेज, और ये देखिए यार ये जो ग्रीन वाला ड्रेस था ना इसकी तो बात ही कुछ और थी। इसको ये तो मुझे इस कदर पसंद आया, मैं इसको काफ़ी देर सोच रही हूँ ये मैं लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, फिर मैंने दिल पे रखा पत्थर, मैंने कहा नहीं अभी मैंने कुछ भी बाय नहीं करना, मैं जस्ट वीडियो बनाने के पर्पज़ से आई थी। और मैंने ड्रेसेस वगैरह बाय नहीं किए क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, और इतने ज़्यादा कपड़े को क्या करना, फिर आपको पता नए डिज़ाइन आ जाते हैं, फिर बंदा कहता है ये भी लेना है वो भी लेना, और करते करते तो फिर आप कहेंगे मैंने सब कुछ ही लेना, तो आपके ज़्यादातर जो पैसे हैं ना वो इसी पे इन्वेस्ट हो जाते हैं। और मैंने जो ज़्यादातर अब अपने ना पैसे सेव करी हूँ ताकि मैं बाहर जाऊँ, अब ज़ाहिर सी बात है बाहर जाते हैं आप वीडियो बनाने के लिए तो आपको किराया लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ घर में परमिशन लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे भी आपके पैसे लगते हैं, तो करते करते ना करते भी आपका काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। अब मैं काफ़ी टाइम से गई हुई थी तो मुझे भूख भी लगी थी और मैंने कुछ खाया भी था, और तकरीबन 500-600 तो मेरा खाने पे ही लग गया था, हालांकि मैंने एक पिज़्ज़ा जस्ट मिनी साइज़ का खाया था। तो मतलब ना करते भी आपको ख़र्चा हो जाता है, और जब आप मेट्रो से या किसी चीज़ से भी जाते हैं ना, तो अब तो खैर पेट्रोल भी हर जगह पे महंगा हो गया, हर बंदे ने रिक्शे वाले के भी अपने ही नखरे होते हैं, वो भी कहता है बहुत ज़्यादा किराया होगा। तो इस लिहाज से मैंने अब यही सोचा कि मैं कपड़ों पर इन्वेस्ट नहीं करूँगी, अब मैं अपनी वीडियो पर इन्वेस्ट करूँगी, अपने चैनल को रन करूँगी। तो इसी लिहाज से मैंने ना अपने दिल पर पत्थर रखा और मैंने कहा नहीं मैंने शॉपिंग नहीं करनी। फिर भी ना करते मैंने एंड पे ट्राउज़र जो है ना वो ले लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे थे, और आपको पता है इतने जो डिस्काउंट प्राइस में नहीं मिलते। ये देखिए 5,000-9,000 ये इनकी रेंज है, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट इन पे 40% डिस्काउंट था ज़्यादातर पे ना, और कुछ पे 50 भी था, लेकिन ज़्यादातर डिस्काउंट 40 है। लेकिन ये फुल हैवी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो वाले काम वाले थे, और इनकी जो लग्जरी कलेक्शन आती है ये वो वाले ड्रेसेस थे। तो जो उनकी बात कर रही थी मैं ट्राउज़र की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो वो भी मुझे 650 में पड़े थे, 700 का नहीं पड़ा था, सॉरी मैं भूल गई थी ना, इसलिए मैं अटक गई हूँ, पता नहीं मैं क्यों अटक जाती हूँ। लेकिन जब ना वीडियो आप बना रहे होते तो फिर अक्सर ऐसा हो जाता है। अब ये देखें इनकी जितनी भी ये सारी ना सारी की सारी लग्जरी कलेक्शन और सारी स्टिच है, मतलब मैंने जहाँ तक नोट किया ना सबसे ज़्यादा इनकी कलेक्शन स्टिच थी और सबसे ज़्यादा निकल भी वही रही थी। और हर बंदा और लड़कियों ने ना इतने सारे कपड़े इकट्ठे करके साइड पर रखे हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना उनकी वीडियो बनाती थी, वो कहती थी नहीं 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 ये हमारे हैं ये हमारे, मैंने कहा नहीं बहन मैं जस्ट वीडियो ही बना रही हूँ लूँगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था शायद शॉप वालों ने खुद रखे हैं, लेकिन वो 12-12 सूट एक एक बंदी ने ही इकट्ठे किए होते, तो फिर आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा लें।
और औरतें तो बाकायदा उनकी वो गठरी थी बना के ना उसके ऊपर बैठी ताकि कोई इनका वो ले ही ना। काफ़ी लोगों के इश्यूज भी चल रहे थे कि कपड़ों के पैसे, वो कह रही थी मैंने ये लेना है। उन्होंने स्टॉक जो था ना वो रीस्टॉक भी किया था, लेकिन फिर भी आपको पता है लेडीज़ लेडीज़ होती हैं और वो कपड़े उनकी कमज़ोरी होती है, फिर भी वो लड़ पड़ती हैं, तो उन्होंने बहुत ज़रा फाइट की। तो आपने भी जाके प्लीज़ लड़ना नहीं है, बस तरीके से अपना काम करें, सेल से कपड़े लें। ये देखें 3600 में बहुत ही खूबसूरत शर्ट है, वाइट कलर की, पर्पल कलर का इसके ऊपर काम हुआ है और बहुत स्टाइलिश तरीके से ये सिली हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो मस्टर्ड वाली है ये 3200 की है, आफ्टर डिस्काउंट ये 50% ऑफ है, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें आपको 1600 समथिंग में इस तरह पड़ जाती हैं सारी की सारी। और बहुत ही मज़े के आर्टिकल है, ये वाइट ड्रेस सिल्क का बहुत ही खूबसूरत तरीन था, मेरा इस पर बड़ा बेईमान होकर दिल आ गया था। तो ये देखें ये 3 पीस का दुपट्टा इसका बहुत प्यारा था, मज़े की बात है। और मैंने जब इसकी प्राइस वगैरह चेक की तो ये 5000 में था, और उसके ऊपर भी मज़े की बात है इसको डिस्काउंट मिल रहा था, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, मज़े शशके हैं भाई। तो ये देखें आप इनकी ये सारी जो है ना तकरीबन सिल्क की कलेक्शन भी बीच में थी और सारी मिक्स हुई पड़ी थी, 1 पीस 2 पीस सिंगल जितना भी था 3 पीस भी मिक्स हुआ पड़ा था, कोई आइडिया नहीं हो रहा था, बस आपने ढूंढ ढूंढ के खींच खींच के निकाला था। और सबसे मज़े की बात ये थी आपने वीडियो भी चोरी बनानी थी, क्योंकि वो वीडियो आपको नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए चोरी चोरी वीडियो बनाई है। 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे मना भी किया, फिर भी मैं डीट हो गई और मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो आपने इस बात पे आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नए या तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें ये सारे ड्रेसेस जो है ना इनको तरीके से आप बाय कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है लोग लड़ते हैं, आप ये काम प्लीज मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइट चली गई है तो मैं भी जाती हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।